फर्जी असलहा लाइसेंस के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए उसके तह तक पहुंचने की कोशिश में है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने गोरखपुर में विगत 4 वर्षों में बने शस्त्रों की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित किया है, जिसमें SDM सदर एवं प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित भी शामिल हैं। संयुक्त टीम के प्रभारी अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि गोरखपुर में शस्त्रों की जांच जिलाधिकारी के आदेशानुसार गठित संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। फर्जी लाइसेंस के मामले में जो भी व्यक्ति अपना साक्ष्य बयान देना चाहते हैं, वो ADM सिटी के कार्यालय में 5 सितम्बर तक कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर अपना बयान या साक्ष्य दे सकते हैं। साथ ही यदि कोई पत्र के माध्यम से इस आशय की गोपनीय सूचना देना चाहते हैं कि विगत 4 वर्षों में किसी व्यक्ति द्वारा जाली शस्त्र लाइसेंस बनवाया गया है या खरीदा गया है, तो वो अपनी सूचना अपर जिलाधिकारी नगर के कार्यालय में दे सकता है।